सो गाइस, ये है Realme 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन और आज मैं आपको इसी के अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ। मैं आपको ना इसके बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ। जैसे कि आप अभी ये रिंग लाइट देख रहे हैं, इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। और जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि किसी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन ही ना हो, तो वो भी आप इस फोन में कर सकते हैं। और अगर आप एक ही समय में दो एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारे अमेजिंग और हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है रोशनी और आप सभी का टैग फॉर रोशनी में स्वागत है। तो चलिए फर्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, फिर आपको थ्री फिंगर से कुछ इस टाइप से करना है, तो नीचे एक और विंडो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप यहाँ से एक एप्लीकेशन और ओपन कर सकते हैं, मतलब दो एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप इस फोन में स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आपको थ्री फिंगर से कुछ इस टाइप से करना है, तो स्क्रीन शॉट लग जाता है। और इसके अलावा आप पावर बटन और वॉल्यूम माइनस बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीन शॉट लग जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपका बड़ा सा डॉक्यूमेंट है और आपको लॉन्ग स्क्रीन शॉट लेना है, तो इसके लिए आपको थ्री फिंगर से कुछ इस टाइप से करना है और नीचे आपको स्क्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके अब आपको जितनी भी लंबी स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट को ले लेना है और सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना है, फिर आप लंबी सी स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, दो एप्लीकेशन में एक ये वाली एप्लीकेशन हो गई और एक ये वाली हो गई। अब आपको पहली वाली एप्लीकेशन में स्विच करना है, ट्रांसफर होना है, तो आपको मेन्यू बटन में दो बार प्रेस करना है, तो आप पहली वाली एप्लीकेशन पर स्विच कर जाएंगे। और वापस से मेन्यू बटन पर दो बार प्रेस करेंगे तो फिर आप वापस से उसी एप्लीकेशन पर आ जाएंगे जिस एप्लीकेशन में आप पहले थे। तो गाइस, मैं आपको ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फीचर्स बता रही हूँ, तो फिर आप भी एक लाइक कर दीजिए यार। वीडियो को लाइक करने में क्या कंजूसी, आगे आपको और भी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और इसमें आपने कुछ भी चीजें सर्च कर देखी है और आप उसे रिसेंटली पर जाते हैं, तो आपको यहाँ रिसेंटली पर आना है। ऊपर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हाई कॉन्टेंट का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपने जो भी चीजें सर्च करी होगी ना, वो आपको रिसेंटली में देखने के लिए नहीं मिलेगी। और अगर आप उस एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे तो फिर वो देखने के लिए मिल जाएगा कि आपने क्या क्या चीजें सर्च करी थी। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको यहीं रिसेंट पर ही आना है और ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस पर भी क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं पॉपअप कर एक विंडो आ गई है, मतलब एक छोटी सी आपको विंडो देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप उसमें कुछ भी काम वगैरह कर सकते हैं या फिर आप उसे स्क्रीन पर कहीं पर भी रख सकते हैं और ड्रैग कर छोड़ेंगे तो वो एप्लीकेशन चला जाता है। और इसी के साथ आप एक और एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, मतलब यहाँ भी आप दो एप्लीकेशन एक साथ यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे सेटिंग में, तो आपको यहाँ सेटिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये पहले से लाइट रहता है तो आपको डार्क कर लेना है। अब इसे डार्क करने से क्या होगा, इसकी आपकी जो बैटरी है ना वो बहुत कम कंज्यूम होगी और आपको ये स्क्रीन ब्लैक सी देखने के लिए मिलती है। और वैसे भी आपको तो पता ही होगा कि अगर आप कोई भी वॉलपेपर वगैरह ब्लैक रखते हैं या फिर आपकी स्क्रीन ब्लैक रहती है, तो उससे बैटरी बहुत ही कम कंज्यूम होती है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहीं पर आपको मिल जाता है आई कंफर्ट, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे ऑन कर लेना है, फिर आपकी स्क्रीन का कलर कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा। अब मान लीजिए आप कोई भी स्टडी वगैरह कर रहे हैं या फिर ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो मोबाइल की लाइट वगैरह है ना, उनका इफेक्ट आपकी आंखों पर नहीं पड़ेगा और आपकी आंख जल्दी खराब नहीं होंगी, मतलब कि चश्मे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप इसके कलर को कम ज्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आप शेड्यूल सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप शेड्यूल वगैरह सेट कर सकते हैं कि आपको कब से कब तक आई कम्फर्ट चाहिए, जैसे कि आपको शाम से सुबह तक चाहिए, तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर सेट कर लेनी है। अब शाम होगी तो ऑटोमेटिक ही आई कम्फर्ट ऑन हो जाता है और सुबह होगी तो ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको फोन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से फोन के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको थोड़ा कम दिखाई देता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर फोन के साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको जितना भी साइज रखना हो आप यहाँ से रख सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स, यहीं पर आपको डिस्प्ले साइज मिल जाता है, तो आपका जो अंदर का डिस्प्ले है ना, उसका साइज भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको स्मॉल रखना है, लार्ज रखना है या फिर मीडियम रखना है, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ से रख सकते हैं। चलिए अब अगला फीचर्स
आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको वीडियो कलर एनहेंस के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे यहाँ से ऑन कर लेना है। अब आप कोई भी वीडियो वगैरह वॉच करते हैं, मान लीजिए आप कोई थर्ड क्वालिटी का वीडियो वॉच कर रहे हैं इस फोन में, तो उस वीडियो की जो क्वालिटी कलर वगैरह आपको और ज्यादा एनहेंस दिखेंगे। थर्ड क्वालिटी की वीडियो भी आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो। और नीचे आपको सपोर्टिंग ऐप मिल जाते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये किन किन ऐप को सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको ब्राइटनेस HDR वीडियो मोड का ऑप्शन मिल जाता है। अभी ये बंद है बट आपके में ऑन होगा तो आपको इसे भी ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप कोई भी वीडियो वगैरह वॉच करते हैं यूट्यूब में तो वीडियो के हिसाब से ऑटोमेटिक ही ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी, और आप जैसे ही वीडियो वॉच करना बंद कर देते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो जाएगी, मतलब पहले जितनी ब्राइटनेस थी ना उतनी ही हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहीं पर आपको ऑटो स्क्रीन ऑफ मिल जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करके ये मैक्सिमम आपको 30 मिनट्स का मिल जाता है। अगर जैसे कि मान लीजिए आपने 1 मिनट सेट कर दिया है, अब आप फोन को यूज कर रहे हैं और आपने 30 सेकंड ही यूज किया है और फोन को रख के आप कहीं पर चले गए, तो 1 मिनट बाद ऑटोमेटिक ही स्क्रीन ऑफ हो जाती है। तो ये फीचर्स भी काफी ज्यादा कमाल का है, तो इसको भी यूज करिएगा। अब नेक्स्ट फीचर्स, यहीं पर आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको इसे हाई में कर लेना है। पहले से ये 60Hz पर रहता है तो आपको यहाँ से इसे 120Hz पर कर लेना है, फिर आपका फोन एकदम स्मूथ चलेगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा, मतलब कि एकदम मक्खन की तरह आपका फोन चलने वाला है। और अगर आप 60Hz पर करेंगे ना तो उतना ज्यादा स्मूथ आपका फोन नहीं चलेगा, इसमें आपको 4-5% बस बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और भी बहुत सारे हिडन फीचर्स की। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल पर मिल जाते हैं। यहाँ से आप हॉटस्पॉट और वाईफाई एक साथ यूज कर सकते हैं, मतलब किसी दूसरे से वाईफाई लेकर अपने हॉटस्पॉट के जरिए और किसी को भी वाईफाई दे सकते हैं, वो भी वाईफाई का बिना पासवर्ड डाले हुए। तो ये फीचर्स मुझे काफी कमाल का लगता है इस फोन में, तो इसे भी आप जरूर से यूज करिएगा। नेक्स्ट फीचर्स, यहीं से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सकते हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपको फोटो की क्वालिटी वगैरह, वीडियो की क्वालिटी वगैरह सेट कर लेनी है। बाकी ये बहुत सारी आपको यहाँ पर सेटिंग वगैरह मिल जाती है, तो इन सभी को सेट करने के बाद आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहीं पर आपको मिल जाता है DND का ऑप्शन, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब। ये ना काफी ज्यादा कमाल का फीचर है, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आती है या फिर नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी तो आपका फोन वाइब्रेट तक भी नहीं होगा। जैसे कि आप मान लीजिए आप कोई भी मीटिंग वगैरह में हैं या फिर आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, तो इस फीचर्स को आप जरूर से यूज करिएगा। अब अगला फीचर्स, आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर्स, मतलब कि बटन वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से जो भी फीचर्स आपको ऊपर नहीं मिले हैं आप यहाँ से उन्हें ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको जिन्हें रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि हम किड स्पेस को ले लेते हैं, फोकस मोड को और म्यूट नोटिफिकेशन को, हमने 3 फीचर्स ऐड कर लिए हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि म्यूट नोटिफिकेशन क्या होती है। अगर आप इसे ऑन कर लेते हैं ना तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी ही नहीं जब तक ये ऑन रहेगा, और सिंपली आप इसे ऑफ कर देंगे तो फिर सारी नोटिफिकेशन वगैरह आने लगेंगी। अब जैसे कि क्या होता है ना गाइस कि आप किसी भी ऐप को बंद करना चाहते हैं, उनकी नोटिफिकेशन वगैरह को बंद करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ फोकस मोड पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जिन्हें आप चाहते हैं कि उनकी ना ही नोटिफिकेशन वगैरह आए ना ही वो ऐप ओपन हो, तो उन सभी को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर टर्न नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप होम स्क्रीन पर आकर देखेंगे तो ना ही वो ऐप ओपन होगा, आप कितनी भी ओपन करने की कोशिश क्यों ना करें आपको ये एरर मैसेज शो कर देगा, बट वो ऐप ओपन ही नहीं होगा और ना ही उस ऐप की कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आने वाली है। तो अगर आपको किसी एप्लीकेशन की या फिर ऐप की लत वगैरह लग गई है ना तो ये फीचर्स आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं, वो भी आपको यही कंट्रोल पैनल पर ही मिल जाता है। किड मोड आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है। आप जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है। ये फीचर्स ना आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। आपको यहाँ से उन्हीं एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है जिन्हें आप चाहते हैं कि आपके
बच्चे यूज करें, बस उन्हीं एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है और आप यहाँ से टाइमर वगैरह भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपका फोन का लुक कुछ इस टाइप से हो जाएगा, मतलब कि आपका फोन किड स्पेस पर चला जाएगा और जो एप्लीकेशन आप चाहते हैं वही एप्लीकेशन आपके बच्चे भी यूज करेंगे, बाकी कोई भी सेटिंग वगैरह नहीं छेड़ पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप नॉर्मली स्क्रीन पर आना चाहते हैं, किड स्पेस से बाहर आना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके एग्जिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर पिन पासवर्ड आपने जो भी डाला हो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, फिर आप नॉर्मली स्क्रीन पर आ जाएंगे। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं हम नॉर्मली स्क्रीन पर आ गए हैं। तो गाइस अभी वीडियो ना बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो बाकी के फीचर्स में नेक्स्ट पार्ट पर बताऊंगी, तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल का आइकन है उसे भी ऑल पर सिलेक्ट कर देना। और गाइस अगर वीडियो में आपको हमारी थोड़ी सी भी मेहनत दिखती है ना, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना यार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।